नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंसान को इन तीन चीजों की भूख हमेशा करनी चाहिए। दोस्तों प्लीज आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, ज्ञान। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान अर्जित करने की कोई भी सीमा नहीं होती। आप चाहे जितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वे आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। ज्ञान की भूख कभी भी शांत नहीं होती, मगर फिर भी आप इस भूख को शांत कर लेते हैं। अगर आप इस भूख को शांत करते हैं तो यह आपके खुद के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ज्ञान के मामले में ना कोई परंपरागत हो गया है और ना ही कभी परंपरागत हो पाएगा। ज्ञान की कोई भी प्राप्त कर ले या चाहे कितना भी प्राप्त कर ले, ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी सीमा नहीं है। इसीलिए ज्ञान के भूख को कभी भी मिटने नहीं देना चाहिए। आप भले ही लाख पढ़ाई कर ली, लेकिन ज्ञान की भूख कभी भी नहीं मिटती। इसीलिए ज्ञान के मामले में आप कभी भी संतुष्ट ना हो, और जहां भी ज्ञान, जितना भी ज्ञान मिले, आप उसे हमेशा प्राप्त करें। नंबर दो, दान। वेदों और शास्त्रों में दान को पुण्य बताया गया है। लोग कहते हैं कि इंसान जितना ज्यादा दान करता है, वे हमेशा उतना ही खुश रहता है। यह एक ऐसी चीज है जो कभी भी पूरी नहीं होती। हम चाहे जितना ही दान करें, हमें उतना ही पुण्य मिलेगा। इसीलिए दान और पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इसे करने से हमें खुशी तो मिलती है, और इसके अलावा हमें हर तरह का कल्याण भी करता है। और दोस्तों नंबर तीन है जप। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन की समस्याओं और शिकायतों को लेकर चिंता में रहता है, बात बात पर अपने भगवान को कोसता है, उन्हें भला बुरा कहता है, मगर एक बार भी उनका जप नहीं करता, तो दोस्तों आप इस बात को याद रखिए कि आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप अपना सभी काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान का जप करें। समय समय पर भगवान को आप याद करते रहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर भगवान का जप करें। जब आपके दिल से आवाज आए, तब आप भगवान का नाम लें और उन्हें याद करें, क्योंकि जिस दिन आपके दिल से आ गए ना कि भगवान मेरे साथ है और मैं इस काम को करके रहूंगा, तो आप उस कार्य में, जिस कार्य के आप करना चाहते हैं, उसमें आपको कभी भी असफलता नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आप हमेशा ज्ञान, दान और भगवान का जाप, हमेशा इन तीन चीजों को, भूख को कभी भी शांत न करें। आप जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।